ये आएगा कितना अपन डिस्टेंस लेते हैं इसका, इस लाइन से लिया ये आया 1.3 सेंटीमीटर के आसपास, तो 1.3 सेंटीमीटर यहाँ ऐसे आएगा। तो यहाँ धीरे से अपन ऐसे कर्व करते हुए लाए उसे और यहाँ ऐसे कर्व कर दिया हल्का सा, बस इतना करके लाइटली करके छोड़ दो इसे, ठीक है। अपन को इसे बहुत डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, अपन को जो ज़रूरी है वो है नोज़ का बेस, ठीक है। तो नोज़ का बेस अपन बनाएंगे, तो नोज़ का बेस अपन बना लो यहाँ से। पहले देखो यहाँ तक ले आए अपन, ये यहाँ तक आ रही है, तो नोज़ का बेस जो है वो लगभग लगभग ये रहा, ठीक है। अपन को ये कर्व्स बनाने हैं ऐसे, ओके। तो अपन डिस्टेंस लेते हैं, ये इस लाइन से कितना नीचे है, ये है 0.5 सेंटीमीटर नीचे, और इसका सेंटर पड़ेगा 0.7 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो 0.7 सेंटीमीटर लेफ्ट बनाते हैं अपन इसे, 0.7 सेंटीमीटर लेफ्ट और 0.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब अपन को ये देखना, बेस मिल गया, बेस का सेंटर मिल गया अपन को। अब अपन को ये देखना है कि ये जो लाइन है ये है 1.5 सेंटीमीटर और ये तो इसी पॉइंट से निकल रहा है, ओके। तो ये 1.5 सेंटीमीटर ये रहा, ओके। और फिर देखो, अब मैंने क्या बोला, एक एक करके पॉइंट्स लेते जाओ। तो इसके ऊपर कितना पॉइंट है, ये है 0.4 सेंटीमीटर है, 0.4 सेंटीमीटर, तो ये इधर मैंने मार्क किया। उसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है ऐसे, सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे कितना आगे तक गया है, यह आया 1.1 सेंटीमीटर, तो ये 1.1 पे मार्क किया। अब ये मैंने मार्किंग्स ले लिया, अब इन्हें ज्वाइन कैसे करना है वो देखो। यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से धीरे से कर्व एक आएगा, ये सेंटर है याद रखना, बीच में जो अपन ने बना है यहाँ पे, और ये आएगा ऐसे यहाँ पे, ओके। अब ये मैक्सिमम एक बात ध्यान रखना, ये अपन को पता है ये 0.4 जा रहा है, तो ये भी 0.4 ही जाएगा, तो यहाँ पे एक मार्क कर लो 0.4, ताकि अपन को एक आइडिया हो जाए कि करना क्या है। तो ध्यान दो, ये मैंने धीरे से ले गया, ये शेप गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये गया ऊपर आके हल्का सा फ्लैट हुआ ये, और फिर कर्व होके इस पॉइंट से निकला नीचे। सेम चीज़ यहाँ होगी, यहाँ गया ऊपर आया, इस पॉइंट पर हल्का सा फ्लैट हुआ और फिर कर्व होके यहां से निकला, ठीक है। ये कर्व होके यहां से निकला, तो अपने ये नोज का बेस बन गया। अब अपन को क्या करना है, नॉस्ट्रल बनानी है, तो नॉस्ट्रल देखते हैं। ये है 0.6 सेंटीमीटर नीचे, 0.9 सेंटीमीटर लेफ्ट, तो 0.6 सेंटीमीटर नीचे और 0.9 सेंटीमीटर लेफ्ट, ठीक है। ऊपर वाला भी देख लो ये कितना है, ये है 0.5 सेंटीमीटर, ये रहा 0.5 सेंटीमीटर। तो अपन को पता चल गया, तो ये कर्व हुआ, इसने कर्व होके एक टर्न मारा इस तरीके से, थोड़ा और नीचे आना चाहिए था ये बेस, ठीक है। ये आगे गया कर्व होके ऐसे और धीरे से यहाँ आया। ये ज्वाइन करने नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी, इसे बस लाइटली ड्रॉ करो अपना बेस। अगर अपन को नोज़ पसंद नहीं आती है एंड में, तो अपन दोबारा ड्रॉ करेंगे नोज़। सेम चीज़ यहाँ करो, ये आया 1.2 सेंटीमीटर, इसे मैंने मार्क किया 1.2 सेंटीमीटर, ये इस पॉइंट से थोड़ा दूर है। ये कर्व हुआ सेम लेवल पे, इसे धीरे धीरे कर्व होके ऊपर आया इस पॉइंट से निकलता हुआ, ओके। ये बेस जो है इसी तरीके से नीचे आएगा। ये असल में लाइटली ड्रॉ करना, क्योंकि अपन रेफरेंस में देख सकते हैं शेडिंग के बाद उसमें आउटलाइन इतनी डार्क नहीं है, ठीक है। तो अपन को इस तरीके से नोज बनानी है। तो अब लिप्स करते हैं अपन, तो लिप्स में ध्यान दो, लिप्स में अपने पास जो वी शेप है वो बहुत ज़्यादा से डीप नहीं है, तो अपन को भी नहीं बनाना। अपन को ये वी शेप की बस वो फाइंड करनी है कि सेंटर कहाँ पे है, ये लाइन कहाँ पे है, ओके। तो ये लाइन नंबर 10 के ऊपर है, तो कितना ऊपर है 1.6 सेंटीमीटर और कितना लेफ्ट है 1.7 सेंटीमीटर, ओके। लाइन नंबर 10 के 1.6 सेंटीमीटर 0.7, तो 1.6 सेंटीमीटर और फिर ये रहा 0.7 सेंटीमीटर, तो ये अपना सेंटर पॉइंट आ गया।
ये जस्ट इस लाइन के इस पॉइंट के नीचे जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से अपन ने अपना वी शेप बनाया, बहुत ज़्यादा से डीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपन एक एक पॉइंट लेते जाएंगे। ये वाला पॉइंट कितने ऊपर है इसके, ये है 1.6 सेंटीमीटर ऊपर, तो 1.6 यहाँ मार्क किया, और ये इस लाइन से है 0.2 सेंटीमीटर राइट, तो 0.2 सेंटीमीटर किया। यहाँ से धीरे से एक हल्के से कर्व के साथ, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, इसे हल्के से कर्व के साथ अपन ने जॉइन कर दिया। सेम चीज़ राइट वाले के साथ करेंगे। कितना कितना नीचे है ये, ये है 1.1 सेंटीमीटर नीचे, 1.1 सेंटीमीटर नीचे। और कितना लेफ्ट है, मतलब कितना राइट है इसके, ये आया 0.8 सेंटीमीटर, ये मैंने मार्क किया 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसे। और फिर ये कर्व करने लगेंगे अपन, धीरे से कर्व करके थोड़ा सा नीचे लाए, ठीक है। इसे भी थोड़ा कर्व करके थोड़ा नीचे लाए, कितना नीचे लाना है वो भी देख लो एक बार, 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 0.5, तो यहाँ मैं 0.5 लाया, हाँ यहाँ मैं 0.5 तक ले आया, यहाँ भी मैं 0.5 तक ले आया। अब लोअर लिप देखो, लोअर लिप देखना एकदम स्ट्रेट नहीं है बेस पे, लोअर लिप्स बेस पे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ये अंदर की तरफ है, तो वो अपन को शेप वैसा बनाना पड़ेगा, लगभग लगभग 0.5 सेंटीमीटर। देखो इससे कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं रहते, तो मैं इस तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ कर्व, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ कर्व, फिर यहाँ से निकलता हुआ एक कर्व, तो ये जो बेस रहता है जो थोड़ा अनइवन बेस है वो बनाना पड़ेगा। नीचे आया और फिर ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे अपन, देखो एकदम से पूरा कर्व नहीं जोड़ना है इसे, देखो यहाँ पे थोड़ा कर्व आया, यहाँ से अलग गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन शेप्स हैं, एक बार में पूरा कर्व ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आया फिर यहाँ से गया, सेम चीज़ अपन यहाँ देखते हैं। इसको मेजरमेंट ले लो कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये रहा अपना 1 सेंटीमीटर। थोड़ा फ्री हैंड, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि फ्री हैंड बना लो, ठीक है। धीरे से इसे लाए और ला के यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये अपने लिप्स की आउटर लाइनिंग बन गई। अब आती है अंदर की बारी, तो अंदर में ये इस लाइन के देखो, ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं अपन, धीरे धीरे कर्व्स के साथ बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये आया यहाँ से इस तरीके से आएगा और ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ये ऐसे कर्व, ये कर्व, और ये नीचे की तरफ ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। लोअर लिप कितना नीचे है वो देखते हैं, 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर लोअर लिप, तो लोअर लिप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हल्का सा ऊपर आएगा इस जगह पे, थोड़ा सा नीचे, फिर हल्का सा ऊपर कर्व के साथ यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। ये सब भी ऐसे धीरे धीरे कर्व के साथ ज्वाइन, ये भी थोड़ा आगे जाके ऐसे कर्व के साथ ज्वाइन। बचते हैं दांत, दो ही दांत दिख रहे हैं अपन को, तीन दांत दिख रहे हैं, तो ये कितना है, ये है 1.7 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और यह है 0.5, तो 1.8 यहाँ मार्क किया, 1.8 और 0.5, एकदम रेक्टेंगल नहीं बनाना है, थोड़ा सा देख सकते हो नीचे की तरफ कर्व आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे भी ऐसे कर्व आ रहा है, फिर ये आए, ये ऐसे धीरे धीरे गए, ये कर्व आ रहा है, यहाँ पे पूरा डार्क रहेगा, यहाँ पे हल्का हल्का अपन को एक दांत दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपनी जो एक बेसिक आउटलाइनिंग है वो पूरी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा अंदर मत कर देना, ठीक है, हल्का सा ही अंदर रहेगा, और दांतों को एक बार शेप ध्यान देना, कोई उल्टे सीधे शेप नहीं बना देना। लिप्स अपने क्या है, बहुत डार्क रहेंगे, तो ये अंदर की तरफ थोड़ी से ये ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है थोड़ा सा, ये नहीं समझना कि कुछ भी बना दो एंड में जाके, ठीक है। इस तरीके से लिप्स में अभी से बना के चलो थोड़े से ये कर्व्स, तो आसानी रहती है अपन को समझने में, ओके। तो इस तरीके से अपन ने ये ड्रॉ कर लिए लिप्स अपने, लोअर लिप पे भी ध्यान देना, और ये अपनी पूरी जो आउटलाइनिंग है वो हो जाती है। अब इसके बाद अपन को बस ग्रिड इरेज करना है और शेडिंग करनी है, ठीक है।